दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका यहाँ पर टेक गट चैनल के ऊपर, और बात कर रहे हैं दोस्तों हाउ ऑप्टिमाइजर वर्क इन योर स्मार्टफोन। आपके स्मार्टफोन के अंदर ऑप्टिमाइजिंग किस प्रकार से यहाँ पर की जाती है और क्यों की जाती है, ऑप्टिमाइज होने के बाद आपका स्मार्टफोन कितना हाइपर परफॉर्मेंस देता है और बिना ऑप्टिमाइज के आपका स्मार्टफोन कितना हाइपर परफॉर्मेंस देता है। ऑप्टिमाइज को आप बूस्ट स्पीड का भी एक नाम यहाँ पर दे सकते हैं कि स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ा देता है ऑप्टिमाइज के कारण, और यहाँ पर देसी भाषा में अपनी भाषा में बात करें तो इसे जुगाड़ आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे हैं इसी के बारे में, काफी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि ऑप्टिमाइज किस प्रकार से आपके स्मार्टफोन में काम कर रहा है, और ऑप्टिमाइज के कुछ एग्जाम्पल्स भी देने वाला हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आखिर ऑप्टिमाइज है क्या चीज, तो उसके लिए भी एक स्पेशल उदाहरण मैं लेके आया हूँ आपके लिए। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है और वो 1 लीटर के अंदर सिर्फ 40 किलोमीटर चलती है दोस्तों, और आप सोचते हैं कि क्या ऐसा जुगाड़ बन सकता है कि ये बाइक 40 की बजाय 45 यानी 45 किलोमीटर निकल जाए 1 ही लीटर में। तो उसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे, इंजन के अंदर कुछ यहां पर सेटिंग्स करेंगे, उसे कम पेट्रोल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा यहां पर चलाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है वो 44 या फिर 45 किलोमीटर यहां पर तय कर ले, तो वो हो जाता है दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन। यही जो है स्मार्टफोन के अंदर किया जाता है। सीपीयू की जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए 1.8 गीगाहर्ट्ज की सीपीयू की यहां पर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उसे यहां पर बूस्ट करके 2.2 या फिर 2.0 तक ले जाया जाता है। इसको बोलते हैं सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन। ये नॉर्मल आज के जो स्मार्टफोन आए हुए हैं जितने भी, लगभग उनके अंदर यही किया जाता है। जीपीयू के अंदर ले लीजिए दोस्तों, जितने भी यहां पर गेमिंग के लिए बोलते हैं कि टर्बो बूस्ट गेमिंग मोड है, इसके अंदर गेमिंग मोड 2.0 इसके अंदर ये है वो है, वो जीपीयू को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया जाता है। उससे यहां पर गेमिंग मोड 1.0 ये ऑप्टिमाइजेशन के ही यहां पर पहलू है। 1.0 ले लीजिए, 2.0 ले लीजिए, बस ऑप्टिमाइज बढ़ाते जाओ, आगे जो है 3.0 में मिल जाएगा आपको गेम बूस्ट। आगे बात करें दोस्तों एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस के अंदर भी इसी प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। कुछ एप्लीकेशंस काफी हैवी साइज की होती हैं, नॉर्मली वो गेमिंग की भी हो सकती है, या फिर कुछ अदर एप्लीकेशंस भी जो कि काफी हाई लोड सीपीयू के ऊपर देती है या फिर ग्राफिक्स का भी यूज करती है, तो वहां पर जो है एआई के साथ ऑप्टिमाइज किया जाता है। किस प्रकार से जो है बैकग्राउंड एप्लीकेशन से और भी आपने ओपन की हुई है, या फिर बैकग्राउंड के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं काफ़ी सारे जो कि एंड्रॉयड के खुद के होते हैं, उन प्रोसेस के अंदर से भी वो स्पीड निकाल कर ले आता है और उस एप्लीकेशन को दे देता है, ये भी एक ऑप्टिमाइज का ही हिस्सा है। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर कैमरा, कैमरा के अंदर भी एआई के साथ ऑप्टिमाइज किया जाता है। नॉर्मली ऑप्टिमाइजेशन जो है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, स्टार्टिंग में जब फीचर फोन हुआ करते थे जिनके अंदर कैमरा होता था, या फिर स्टार्टिंग के स्मार्टफोन ले लीजिए, वहाँ पर एआई का तो कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूटी भी यहाँ पर मिलती है, ब्यूटी प्लस भी मिलती है आपको, ये सब जो है फोटो निकालते वक्त ही सारा काम जो है कैमरा के साथ ही एक सॉफ्टवेयर के साथ कर दिया जाता है। इसी से जो है सीपीयू का जीपीयू का कैमरा का सबका यूज एक साथ यहाँ पर हो जाता है, साथ ही एआई भी काम करता है, तो आपकी फोटो जो है काफ़ी ब्यूटी यहाँ पर निकल के आती है। तो ये नई फोटो बना देता है क्लिक करने के बाद, जो फोटो कैमरा क्लिक करता है वो एकदम नॉर्मल होती है जैसा कि ये नेचर दिखता है उसी प्रकार की, बस उसके बाद जो है उसके पिक्सल्स वगैरह बढ़ाकर और भी काफ़ी पिक्सल्स को जो है मतलब मजबूत कर देता है, पिक्सल्स के अंदर जो ब्लैक्स है वो निकाल देता है, और जितनी यहाँ पर ब्यूटी कर सकता है ग्लोइंग ला सकता है उतनी लाकर आपके सामने रखता है, तो इसे भी ऑप्टिमाइज आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बैटरी के ऊपर निकल के आती है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। काफ़ी बार आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते थे, ड्यू बैटरी सेवर, ये सेवर वो सेवर, काफ़ी सारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं, ये करती क्या है दोस्तों बैटरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए। यहाँ पर बोलते हैं कि बैटरी ये बचाती हैं, मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इस प्रकार की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, क्योंकि स्मार्टफोन पहले से ही आपका स्मार्ट है और उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर बैटरी सेवर काफ़ी बढ़िया से कंपनी ने पहले ही दे दिया है। दोस्तों इसके अंदर ये होता है, अगर आप नॉर्मली बैटरी सेवर मोड ऑन कर देते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर चल रहे बेकार के प्रोसेस जो कि यूज़ नहीं आ रहे, या फिर बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन कर रही हैं जो कि फिलहाल ओपन नहीं है या फिर मिनिमाइज पड़ी है, या फिर बैकग्राउंड के अंदर दूसरी एप्लीकेशंस यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ कर रही हैं तो उन्हें काफ़ी कम इंटरनेट प्रदान करता है, जैसे कि व्हाट्सएप है फेसबुक मैसेंजर है, इस प्रकार के एप्लीकेशन उस टाइम पर शायद आपने खोले नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर वो भी लगातार प्रोसेस में रहती हैं, क्योंकि कभी भी कोई मैसेज करता है तो तुरंत व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन आता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार बैकग्राउंड प्रोसेस पे चलता रहता है, लगातार ही चलता रहता है। उससे ऑप्टिमाइज करके इस प्रकार से हैंडल किया जाता है कि वो इंटरनेट का भी यूज़ करे, बैकग्राउंड में उसका हल्का फुल्का प्रोसेस, जैसे कि मान लीजिए 15% उसका प्रोसेस चल रहा है तो उसे 2 या फिर 3% कर देता है, कि कोई नोटिफिकेशन अगर आता है व्हाट्सएप की तरफ से वो बाहर से देखेगा, फिर उसका पूरा प्रोसेस एक बार यहाँ पर शुरू कर देगा, जिससे हमें नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का मिल जाता है। तो ये होता है दोस्तों बैकग्राउंड प्रोसेस। तो यहाँ पर बैटरी बचाने के लिए इन प्रोसेस को काफ़ी कम किया जाता है, जिससे जो बैटरी है
वो बराबर जो है चलती रहे और थोड़ा सा ज़्यादा जो है बैकअप यहाँ पर हमें निकाल कर देते हैं। मान लीजिए 5 आवर जो बैटरी चलती है, अगर ऑप्टिमाइजिंग या फिर बैटरी सेवर को आप ऑन कर देते हैं तो आप 1 घंटा ज़्यादा उसे यूज़ कर सकते हैं, इतना यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पर बैटरी नहीं चलने वाली है, बस इतना ही प्रोसेस जो है कम होता है। तो दोस्तों ये जुगाड़ वाला वीडियो या फिर कहें कि ऑप्टिमाइजिंग स्मार्टफोन का वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आपको आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं, वरना दूसरे वीडियो में किसी और तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अगर आप नए हैं तो, ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और फ्रेश वीडियो के अंदर, तब तक लीजिए जय हिंद और वंदे मातरम।